यहाँ से इंडियन अथॉरिटी से आपके पास कोई कॉल आया हो कि आपकी कोई डिमांड इस मामले को लेकर के, अब जो पूरा घटनाक्रम रहा है, क्योंकि बार बार बयान बदले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं शादी हुई नहीं है, निकाह हुआ नहीं है, कभी नाम बदला नहीं गया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। निकाह तो हो चुका है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। यहाँ भी जब अंजू थी तो झूठ पे झूठ बोल रही, अब कैसे वीजा बनवाई, कैसे क्या करवाई, मेरे को खुद नहीं पता कौन वेरिफिकेशन किया, मेरे को कोई साइन भी नहीं है, मैं तो कभी दिल्ली गया भी नहीं हूँ मेरे को लेके। इन सभी हालात जो भी आज आपके साथ बीत रहे हैं, उसका सबको सभी को दर्द है कि ये आज आपके साथ हुआ है। क्या आगे का आपका स्टेप आपने सोचा हुआ है, क्या कोई लीगल कार्रवाई पे आप जाएंगे, कैसे? वो आती हैं तो वो अपना दावा भी पेश करेंगे, भाई मैं अभी पत्नी हूँ आपकी। वो तो मेरी पत्नी है, बिना तलाक के कैसे कर सकती है शादी, मैंने तो तलाक भी दिया भी नहीं हूँ। उसने वहाँ बताई है कि मैंने तलाक का कागज दिल्ली में दे रखी है 3 साल से, तो क्या मेरे पास तो कोई साइन नहीं है। कोई संबंध आया था कोर्ट की तरफ से कि कोई डिवोर्स के लिए? नहीं, कोई आया नहीं है मेरे पास संबंध कोई तलाक के कागज के लिए। क्या स्टेप आपका रहने वाला है आगे? आगे ये रहना है कि वो जितने पासपोर्ट वीजा है इनके सब जब्त कर लिया जाए, और वीजा के जिसके थ्रू आया है, मेरे तो कोई साइन नहीं है, ना मैं कभी दिल्ली गया हूँ वीजा के अप्लाई के लिए, ना मेरा कोई साइन है। वो कैसे वीजा बना, क्या हुआ, वो इसकी जानकारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सरकार से मेरा यही दरख्वास्त है। किस तरह की जांच आप चाह रहे हैं अभी, कि क्या कोई डाउट है कि क्या नसरुल्ला भी यहाँ आया हो इंडिया कभी? पता नहीं इंडिया आया कि नहीं आया, मगर साइन तो मेरा भी तो होना चाहिए, जिस हिसाब से वीजा पर साइन होता है उस हिसाब से वीजा तो अप्लाई होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी से आपका सवाल है कि जो इस तरह का जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार की गई, आपकी जानकारी कभी आपको नहीं मिली? नहीं मिली इसकी जानकारी, वीजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मानते कि कहीं ना कहीं इसमें एजेंसी की भी कहीं ना कहीं कमी रही है, जो आपके तक जानकारी नहीं आई, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? क्या पता बीच से ही जानकारी हमारी हटा दी गई हो। तो क्या आप मांग करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ कि वीजा की छानबीन की जाए दोबारी से। इनके पिताजी का बयान आया कि वो पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब थी, क्या कभी कोई आपके इतने लंबा शादी के बाद आप रहे हैं साथ, कोई ऐसे डिस्टर्बेंस आपको नजर आया था? थोड़ा काम के लिए कि वो टेंशन में तो हो जाती थी, माइंड सब हो जाता था, मगर मैंने इतना बड़ा कदम नहीं सोचा था कि वो उठाएगी। तो मगर जो चीज़ को वो ठान लेती है ना जीत पे कि ये करना है तो यही करना है, तो वो कर लेती है। आपकी शादी जो हुई थी, क्या पहले मुलाकात हुई थी या सीधी अरेंज मैरिज हुई थी, परिवार के संबंध में थी? परिवार के संबंध में ही हुई है सारी शादी। आपकी शादी जब हुई थी, तो शादी के बाद अगर कोई जानकारी मिलती, आपकी कोई बातचीत उनसे हुई है? शादी के बाद तो हमेशा हमारी बातचीत होती रहती है। कैसा बिहेवियर रहा उनका इस दौरान अभी जाने से पहले? बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा था, बर्गर खिलाती थी, बहुत कुछ खिलाती थी बच्चों को। उन्होंने अभी भी वहाँ पर पाकिस्तान मीडिया के सामने दावा किया कि मैं बच्चों से मिलने जाऊंगी और मुझे बच्चों से मिलने का अधिकार है, मिलना भी है उन्हें। बच्चे तो मना कर रहे हैं मिलने के,